बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं। तो आज हम कैटेगरीज, लास्ट टाइम हमने कैटेगरीज ए को देखा था लास्ट लेक्चर में, आज हम देखेंगे कैटेगरीज बी और सी हमारी कौन सी होती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होता है हम उसको साइड के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास चार कैटेगरीज आती हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स आ जाती हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आ जाता है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ जाते हैं। तो आज हम कैटेगरीज बी एंड सी को अपनी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये कैटेगरीज को ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैटेगरी बी से। तो कैटेगरी बी में कहते हैं, इंजीनियरिंग और द कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स स्पेशली डिजाइंड फॉर एक्सक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन इटवीन सिविल इंजीनियरिंग टास्क, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वन इन्वॉल्विंग अर्थ मूविंग। अब वो कहते हैं कि अर्थ मूविंग जो पिछली हमारी मशीनरी थी उसको हम कंस्ट्रक्शन वाली को यूटिलाइज करते हुए कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। अब व्हीकल का क्या काम होता है? व्हीकल का काम होता है आपका मटेरियल अगर एक जगह पे पड़ा हुआ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले आप लोग अर्थ मूविंग को यूज़ करते हो अपने इक्विपमेंट को, जो हमने लास्ट कैटेगरी ए में पढ़ा था। देन जब आप वहाँ से मटेरियल को यूज़ कर लेते हो, जब वहाँ से मटेरियल को आपने एक जगह से उस अर्थ मूविंग वाली मशीनरी को यूटिलाइज करने के बाद, जो आपके मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आपने ए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो उस टाइम जो आप यूज़ करते हो वो जो व्हीकल्स कहलाती हैं, दैट आर कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। तो कहते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कैटेगरी बी में, हमारे पास डैम्पर्स आ जाते हैं। अब डैम्पर किसके लिए यूज़ होते हैं? डैम्पर बेसिकली आपका यूज़ होता हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अ डैम्पर इज अ व्हीकल डिजाइंड फॉर कैरियिंग बल्क मटेरियल, ऑफन ऑन बिल्डिंग साइट्स। डैम्पर्स बिल्डिंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, जो कि हैवी होता है, उसको पहुंचाने के लिए यूटिलाइज होती हैं। डैम्पर्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डंप ट्रक्स बाय कॉन्फिगरेशन। अ डैम्पर इज यूजली एन ओपन फोर व्हील्ड व्हीकल विद अ लोड स्किप इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर, वाइल अ डंप ट्रक हैज इट्स कैब इन द फ्रंट ऑफ द लोड। वो कहते हैं कि जो हमारे पास डंप ट्रक होता है वो डैम्पर से किस तरह डिफरेंट होता है कि डैम्पर में जो हमारे पास लोड होता है उसका जो केब होता है वो फ्रंट पे होता है, और जो दूसरे होते हैं वो इनसे डिफरेंट होते हैं। हमारे पास जो कि डंप ट्रक होते हैं, डंप ट्रक एक सेपरेट चीज़ होते हैं और डैम्पर आपका एक अलग चीज़ है। अब वो कहते हैं आपको हमारे पास जो डैम्पर होते हैं, डैम्पर में आप हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो पे लोड होता है वो कहते हैं 10 टन तक हो सकते हैं हमारे पास। और ये क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या है कि इसको लोड को लेके जाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास। वो कहते हैं हमारे पास जो टिप्पर्स होती हैं वो क्या चीज़ होती है? टिप्पर एक सिंपली ट्रक होता है जो कि लोड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लोड को एक जगह से दूसरी जगह आपने पहुंचाना है तो आप लोग टिप्पर्स यूज करते हो। अब टिप्पर्स में क्या होता है हमारे पास कि टिप्पर्स में आपके पास ये जो इसकी जो फैसिलिटी है वो ये है कि यहाँ पे आप हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के इसका फ्रंट जो हिस्सा है वो उसको आप रेज करते हो, और उसका मटेरियल जो इसके अंदर होता है वो आप इजीली रिमूव कर देते हो। उसके आपका टाइम कंज्यूम कम होता है, आपकी लेबर की एफर्ट कम लगती है, तो ये इसका एक आपके पास एडवांटेज आ जाता है। टिप्पर आर सूटेड फॉर द रफ एंड टम्बल ऑफ माइनिंग एंड क्वारिंग ऑपरेशन एज वेल एज फॉर कैरिंग बल्क लोड्स इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं जो आपके पास माइनिंग का जो रॉ मटेरियल होता है या मुस्तुल ऐसी चीज़ें जिनके लोडिंग और अनलोडिंग में उनके टूटने का आपके पास डर नहीं होता, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल टाइप चीज़ें होती हैं जो माइनिंग में जो आपके पास में होती हैं, तो उनको आप एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए आप टिप्पर्स यूज़ करते हो। और फिर टिप्पर्स को क्यों यूटिलाइज करते हो? क्योंकि टिप्पर्स में आगे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है कि इसकी जो आप प्लेसिंग करने लगते हो तो वो क्या होती है, वो आसान होती है। क्यों? क्योंकि आप इसके एक पुश से ये सारा मटेरियल आपका एकदम से रिमूव हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ये उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको मटेरियल के टूटने वगैरह का कोई डर नहीं होता। फिर आपके पास आ जाता है ट्रेलर्स। ट्रेलर में क्या होते हैं? ट्रेलर सिंपली आपका होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह, या आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सिंपल जिसमें आप कंटेनर भी कह सकते हैं, कंटेनर जिस तरह बड़े बड़े होते हैं, कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप लोग ट्रेलर का यूज़ करते हो। और ट्रेलर इज जनरली एन अनपावर्ड व्हीकल पुल्ड बाय अ पावर्ड व्हीकल। वो कहते हैं कि ट्रेलर क्या है, ये आपके पीछे चीज सारी ट्रेलर होती है, ये एक जिस चीज से खींचा जाता है उसको हम पावर्ड व्हीकल कहते हैं। और ट्रेलर क्या होता है? आपके पास सिंपली अनपावर्ड होता है। ट्रेलर से हम चीज ट्रेलर के ऊपर हम अपने सामान को लोड करते हैं और फिर हम उसके साथ एक पावर्ड व्हीकल लगाते हैं, वो उसको खींच के आगे लगा जाते हैं। उस पावर्ड व्हीकल को हम लोग ट्रक भी कह सकते हैं। ये इसने डायग्राम में दिखाया हुआ है।
आगे आपके पास कैटेगरी सी आ जाती है। कैटेगरी सी में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हमारे पास कौन से हैं। तो कैटेगरी सी में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो पहले आता है आपके पास क्रेन। अब क्रेन क्या होता है, क्रेन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए मोस्टली यूज होती है। अ क्रेन इज अ टाइप ऑफ मशीन जनरली इक्विप्ड विद अ होइस्ट, वायर रोप्स आर द चेन एंड शीव्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ टू लिफ्ट एंड लोअर द मटीरियल एंड टू मूव देम हॉरिजेंटली। अब वो कहते हैं मटीरियल को हॉरिजेंटली मतलब कि स्ट्रेट एक जगह से दूसरी जगह आपने लिफ्ट करना है, फिर आपने उसको डाउन उसी जगह पे प्लेस करना है, अप एंड डाउन और हॉरिजेंटली सेम पोजीशन में मूव करवा के मटीरियल को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्रेन की मदद से। अब वो कैसे ने डिफरेंट आपको डायग्राम में क्रेन्स दिखाई हुई हैं आपके पास। इट इज यूजेस वन और मोर सिंपल मशीन टू क्रिएट मैकेनिकल एडवांटेज एंड दस मूव लोड्स बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेबिलिटीज ऑफ अ मैन। वो कहता है कि जहां आपकी मैन की कैपेबिलिटीज फेल हो जाती हैं, वो लोड को कैरी नहीं कर सकते, तो वहां पे आप क्या है कि वहां पे आप क्रेन्स को यूटिलाइज करते हैं और क्रेन आपका मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको प्लेस कर देता है। उसको प्लेसिंग करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। क्रेन्स आर कॉमनली इंप्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग के लिए भी यूज हो सकती है, अनलोडिंग के लिए भी यूज हो सकती है। क्यों? एक जगह से दूसरी जगह आपने मटेरियल को या अपने जो आपका हैवी चीजें हैं उनको प्लेस करने के लिए आप क्या करते हैं, क्रेन का यूज कर सकते हैं। याद रहे कि क्रेनें आपकी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं, आपकी हाइड्रोलिक्स भी हो सकती हैं। कन्वेयर्स आ जाते हैं आपके पास। अब बेल्ट कन्वेयर सिस्टम जो होता है, मोस्टली क्या होता है कि ये कन्वेयर सिस्टम जो होता है आपका मोस्टली कंटिन्यूअस और लार्ज सप्लाई की जहाँ पे चाहिए होती है आपको, वहाँ पे आप कन्वेयर्स यूज करते हो। अब कन्वेयर्स क्या होता है, एक तो ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज होता है आपका। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने सीमेंट इंडस्ट्री लेनी है, मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि आपने सीमेंट इंडस्ट्री में आपके कन्वेयर्स का यूटिलाइज है। आपका जहां से मटेरियल फॉर एग्जाम्पल रफ फॉर्म में आता है, वहां से आपने उनको छोटे छोटे टू पीसेज में ब्रेक करने के बाद आप उसको अपने बेल्ट पे प्लेस करते हो, तो बेल्ट जो है वो आपका कन्वेयर का वही काम कर रही होती है। तो वो मटेरियल को कन्वे करके अपनी इवन आपके थ्रू क्या कह सकती हैं, आपकी किलन में से भी पास होने के बाद फाइनल जो आपके सिलो में आपके पास सीमेंट स्टोर हो जाती है, वहां तक सारी आपके पास बेल्ट्स लगी होती हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल एक तो होता है आपके लार्ज क्वांटिटी में है, सेकेंडली मटेरियल आपके इतना हैवी मटेरियल को लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपनी लेबर यूज करनी पड़ेगी। तो लेबर के यूज करेंगे तो आपका एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, सेकेंडली आपके पास मटेरियल की जो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप कम मटेरियल को हैंडल कर सकोगे, तो इसलिए ज्यादा मटेरियल को हैंडल करने के लिए आप क्या है कन्वेयर्स का यूज करते हो। तो कन्वेयर्स बेसिकली अपने मटेरियल्स को अब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जहां पे स्मॉल डिस्टेंस हो और आपने लार्ज मटेरियल को विद इन शॉर्ट टाइम पहुंचाना, तो आप कन्वेयर्स का यूज करते हैं। ये कन्वेयर्स जो आपने उसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपने उसने कन्वेयर्स को दिखाया हुआ है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज बताया है। आगे हम चलते हैं फॉकलिफ्ट्स क्या है। फॉकलिफ्ट्स अभी आपने ये मोस्टली आपने देखा होगा जो आपके पास ट्रैफिक वार्डन होते हैं वो इस चीज को यूज कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपके पास मोटर गाड़ी को इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर या आप इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम भी कह सकती हैं। ये आगे आप लोग इसकी दो आर्म्स देख रहे हैं, जो दो फॉर्क्स देख रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपने सामान को लिफ्ट अप करते हैं। अब आप इसके ऊपर अपने सामान को प्लेस करोगे और फिर क्या है कि इसके व्हील्स की मदद से आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाओगे। वो कहते हैं फॉर्क लिफ्ट ट्रक्स आर अवेलेबल इन मैनी वेरिएशंस एंड लोड कैपेसिटीज इन अ टिपिकल वेयर हाउस सेटिंग। मोस्ट फॉर लिफ्ट यूज हैव लोड कैपेसिटीज बिटवीन 1 to 5 tons। वो कहते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 से 5 ton तक होती है। लार्ज मशीन अप टू 50 ton लिफ्ट कैपेसिटी आर यूज फॉर लिफ्टिंग हैवियर लोड। वो कहते हैं कि जो लार्ज होती है, ये जो आपने डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसकी कैपेसिटी जो हो सकती है वो आपकी 5 ton तक हो सकती है, लेकिन जो आपकी लार्ज होती है फॉर्क लिफ्ट उसकी जो कैपेसिटी वो आपकी 50 ton तक भी हो सकती है। तो आगे जो इसने डिफरेंट डायग्राम जो फॉर्क लिफ्टर्स को आपके पास दिखाया हुआ है, फॉर्क लिफ्टर मोस्टली आपको चीजों के फॉर एग्जाम्पल आपने कलर करना होता है किसी ऊंची बिल्डिंग पे, तो वो क्या होता है वहां पे आप केज में अपने पर्सन को जो अपने लेबर को बिठाते हैं और उसको आप फॉर्क लिफ्टर की मदद से उसको लिफ्ट करते हैं, उस पोजिशन पे ले जाते हैं और देन आप क्या है उसको कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने मोस्टली आपको एक दिखाया कलर या बिल्डिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कहते हैं होस्ट क्या होती है, होस्ट एक आप कह सकते हो कि इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग अ लोड बाय मींस ऑफ अ ड्रम और लिफ्ट व्हील अराउंड विच रोप आर द चेन रैप्स।
सिंपल, आप ली अपने लोड को लिफ्ट करने के लिए या उसको डाउन पोजीशन पे लाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हो वो आपका क्या है, होस्ट है। अब होस्ट का क्या काम होता है, बेसिकली जो आपका होस्ट होता है ये आपका, वो कहता है कि पुलीज लगी होती है आपकी, पुलीज के ऊपर आपकी चेन लगे होते हैं, या आपके पास क्या सॉकेट्स होते हैं और चेन होते हैं उसके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। और एट दी एंड क्या होती है, एक हुक लगी होती है, हुक के जरिए आप अपने मटेरियल को हैंडल करते हो और एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हो। मोस्टली जो इसका यूज होता है वो आपका वर्कशॉप्स में होता है, रेलवे वर्कशॉप्स, हैवी वर्कशॉप्स में यूज होता है इसका, जहाँ पे शिप्स आपकी बांधी होती है वहां पे इसका यूज हो सकता है। और इसके अलावा आप इसका यूज कंस्ट्रक्शन की साइड पे भी कर सकते हो। द लोड इज अटैच टू द होस्ट बाय मीन्स ऑफ अ लिफ्टिंग हुक, वही मैंने आपको बात बताई कि ये आपके पास हुक होती है, हुक के साथ अपना क्या है कि होस्ट के साथ आप अपना मटेरियल अटैच करते हो, और वो मटेरियल क्या होता है आपका, आगे एक जगह से दूसरी जगह अप एंड डाउन पोजिशन पे आप उसको मूव करवा सकते हो। आगे कहते हैं हमारे पास ये होस्ट को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहते हैं कि आप अगर लार्ज लेवल पे जाएं तो जो आपके पास बैरी शिप्स जो होती हैं उनकी लोडिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, वहां पे आप कंटेनर्स को उठा के रख सकते हो, तो होस्ट के डिफरेंट यूजिंग है। आल्सो नोन एज मैन लिफ्ट, बक होस्ट, टेम्परेरी एलिवेटर, बिल्डर होस्ट, पैसेंजर होस्ट और कंस्ट्रक्शन एलिवेटर, दिस टाइप ऑफ द होस्ट इज कॉमनली यूज ऑन लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन। अब वो कहता है कि सिंपल आपके पास जो एक लिफ्ट होती है, लिफ्ट को भी आप होस्ट कह सकते हैं, वहां पर वो क्या होता है, वो बंदों को लिफ्ट कर रही होती है। सिमिलरली आपका जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट को, फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट, आप एक छत में क्या है कि आप अपना काम करें, वहां पे आपने कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मतलब जमीन से लिफ्ट करके आपने टेंट बिल्डिंग पे लेकर जाना है, तो वहां पे आप होस्ट का यूज कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही होगी। मैनी अदर इंडस्ट्रीज यूज द बक होस्ट फॉर द फुल टाइम ऑपरेशन, द पर्पज इज बींग टू कैरी पर्सनल मटीरियल एंड इक्विपमेंट क्विकली बिटवीन द ग्राउंड एंड हायर फ्लोर। इसका पर्पज क्या होता है बेसिकली, कि आपके ग्राउंड से लेकर आपकी जो हायर फ्लोर हैं, 10 फ्लोर है, 20 फ्लोर है, 30 फ्लोर है, 100, 200, कोई भी फ्लोर तक आपने जाना है, तो ये आपका विद इन शॉर्ट टाइम आपका मटेरियल वहां तक पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी ट्राई किया कि आपको ये दो कैटेगरी समझा दूँ, बी एंड सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैटेगरी डी को डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, अल्लाह हाफिज़।